कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत लौटी महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया सिरसा पहुंची। सविता पुनिया का सिरसा में फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सविता पुनिया ने कहा कि 16 साल बाद राष्ट्रीय मंडल खेल में हॉकी टीम को पदक मिला है। उनकी टीम की नजर अब एशियन गेम्स पर है, क्योंकि एशियन गेम्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन से ही भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई कर सकेगी। बिल्कुल, अभी हमारे पास पूरा एक साल का टाइम है और अभी जो मेडल आया उसके बाद ऑफ कोर्स टीम में एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, हमें एशियन गेम में और भी अच्छा करना है। और वो टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है वो हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि अलग से क्वालिफाई राउंड खेलें, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम डायरेक्ट एशियन गेम के थ्रू ओलंपिक क्वालिफाई करें। सविता पुनिया ने अपनी सफलता का श्रेय टीम की एकजुटता और कोच के कुशल मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए हरियाणा की खेल नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति बेहतरीन है, अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी भी हरियाणा की खेल नीति को सराहते हैं। अगर मैं अदर स्टेट के साथ कंपेयर करूं या बोलूं, तो शायद दूसरे स्टेट हैं जो हमसे पूछते हैं कि ओके, हरियाणा में ये चीज़ें इतने अच्छे से है, तो हमें भी अपनी गवर्नमेंट से बात करनी है, तो हम किस तरह से बात करें, आप हमें एडवाइस दो। डेफिनेटली अच्छी है हरियाणा की पॉलिसी, और इस अभी और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है कि वो ग्रास रूट पर भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। हाँ, बट प्लेयर हमेशा अपना काम बहुत फोकस के साथ करता है, तो जितनी इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी एथलीट्स के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। सविता पुनिया ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उनका हौसला ही उनकी सफलता तक पहुंचाता है। साथ ही परिवार के सहयोग से खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो एथलीट को यही बोलना चाहूंगी कि आप पेशेंस रखें और अपना फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करें, और समटाइम्स चीजें जल्दी मिल जाती है, समटाइम्स वेट होता है, पर आप अपनी डायरेक्शन सही रखें कि ओके, मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए आपको दिन रात काम करना पड़ता है। और आज की जनरेशन में शायद ऐसे होता है कि हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो आपको आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है उसको आप रखो, बट आपकी क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है उस पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बेहतर खेल नीति और सुविधा के कारण ही दुनिया भर में हरियाणा की पहचान है। हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा दी जाती है। आज खेल के बलबूते ही विश्व पटल पर हरियाणा की अनूठी पहचान है, और इसी का एक उदाहरण भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेश कर दिया है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।